आई और जानकारी करते हैं कि 3 दिवसीय ये आंदोलन जो यहाँ संसद मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, इसमें बहुत तादाद के अंदर यहाँ पब्लिक आई हुए, उनके साथ महिलाओं ने भी बहुत बड़ी शिरकत रखी। आई हमसे जानकारी लेते हैं ये कहाँ से हैं। भाग्यश्री कसेर जी। भाग्यश्री कसेर। भाग्यश्री, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सर जांजगीर चांपा जिले छत्तीसगढ़ से आए हैं। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? अपनी मांगों को लेकर आए हैं सर यहाँ। क्या मांगा? तुम क्या काम करती हो? आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता हूँ। कब से कर रही हो काम? मेरा 2011 में। क्या मांग है तुम्हारे आंगनबाड़ी की? बहुत सारी समस्या है सर। क्या मांग है? मांग क्या लेके आई हो आप लोग? निमित्तीकरण सर। निमित्तीकरण? ये कह रहे हैं कि हम आंगनबाड़ी से आए हैं, हम अपनी मांगों को लेके आए हैं, तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेके आए हैं? हम अपनी मांगों को लेकर के आए हैं कि हमें एक मजदूर के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है कि 18,000 रुपया वेतन हर मजदूर को दिया जाए, वो या तो 18,000 रुपया हमें मासिक के रूप में दिया जाए और हमें नियमितीकरण किया जाए। तो मतलब आपको ये जो आंगनबाड़ी में आप कब से काम कर रही है, भला आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नसीम मानो है, मैं न्यू प्रगतिशील छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की प्रेसिडेंट हूँ और मैं अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आई हूँ मेरे साथियों के साथ में। और मैं 17 सितंबर 2008 से मैं चांपा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पे मैं कार्यरत हूँ। आपके साथ में कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आई हैं? मेरे साथ में कम से कम 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आई हैं। 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जी। आपने छत्तीसगढ़ के अंदर भी कोई ऐसा धरना प्रदर्शन किया था आंगनबाड़ी को लेके? जी हाँ, हमने 24 सितंबर को एक मीटिंग हुआ था, उसमें कहते 24 मार्च को हमने विधानसभा का घेराव किया था। तो आपकी बातों को उन्होंने माना या नहीं माना? हमारी बातों को हमारी सरकार नहीं मानी है। नहीं मान रही है? नहीं।